तेरे कौन लगते हैं? बहनोई है मेरे। हाँ, तू अपने बहनोई की शादी मुझसे करा रहा है? बावला हुआ है क्या? रफ़्ज़ा बाजी, तुम्हारे हाथ में प्याला ऐसा लग रहा है जैसे एम्प्रेस मार्केट की भिकारन। नुमाइश वाला कोठी का क्या हुआ? ना ही हुआ, हम अपना जानिब से बहुत जोर लगाए पर अब्बा जान ना ही मान रहे। बदकार और सियाहकार शहरों को एकदम नहीं मारना चाहिए, इन्हें तो इतनी अजियत दे दे कर मारना चाहिए कि मौत के बाद इनकी रूह खौफ से थरथराने लगे। रोजबाजी, ये परवेज काना कौन है? टेल मी बदूद, परवेज काना हूँ ही मैं, खत्म कर रही हूँ आपको। डू यू रेडी? कलाड़ी फेंक दे रोजा, नहीं तो तेरे पर फायर कर दूंगी मैं। फायर मत करना प्लीज, फायर मत करना, बिकॉज रूह अफ़ज़ा को जिंदगी की रानाइयों से प्यार है। और अभी मेरी उम्र ही क्या है शाहीना पर की, मैं 24 बरस की उम्र में मौत को गले नहीं लगा सकती, नहीं। और तेरी उम्र तो पीछे चलती चली जा रही है, क्यों? वो इसलिए कि मुझे अपनी माजी से प्यार है। ओए रूह अफ़ज़ा, तू अकदाम में कत्ल के अल्जाम में जेल चली जाएगी और फिर कातला का टाइटल मिल जाएगा तुझे। कातला? अल्लाह, ये तो सईद अली खान की फिल्म का टाइटल लगता है, मगर सईद अली खान कातला के टाइटल में बदकार का इजाफा जरूर कर देते हैं। माशाल्लाह उनका जहन बहुत जरखेज है। एक शर्त पे तुझे मैं छोड़ूंगी, मुझे लियाज से तलाक हो गई है और सुनिए तेरा ससुर बड़ा दौलतमंद है, चल मेरा निकाह करा उससे, शादी करा मेरी उससे। ओए अलीमुद्दीन साहब, ये आप हैं? मैं तो समझी कोई निगोड़ी मेम रास्ता भटक कर आ गई हो। जल रही है बुढ़िया। जले में होती, ये 2.5 दिन की बादशाहत पे छिछोरों की तरह इतराई हो माती। हम तो शादी कर रहे हैं 16 बरस की लड़की से, क्यों बच्ची पे जुल्म तोड़ेंगे? ये हो सकता है ऐन निकाह के दिन आप लुकमाए अजल बन जावे। आपकी हालत तो खासी तश्वीशनाक लगे मुझे, हाथ पैर तक कप कप आवे हैं उस पे से शादी का शौक। भाई आपकी उम्र में तो शादी इस वक्त बिल्कुल ऐसे ही है, उगले तो अंधा निगले तो कौड़ी। ए मुझे तो यकीन जानिए कुद्दूसी साहब की मौत के बाद कैसा कैसा आला रिश्ता ना आया, मगर मैं तो आड़ी रही कि कुद्दूसी के बाद मुझ पर दूसरा मर्द हराम है। ये फर्क होवे मर्द और औरत की फितरत में, मर्द की फितरत में बेवफाई और औरत की फितरत में वफा। इतना बकवास मत करो बुढ़िया। अब किसे जो मुझे बुढ़िया कहा तो मैं लंगड़ी दे के गिरा दूंगी। एक गिराऊं तुझे जहन्नुम में बुढ़े, दू तेरे को लंगड़ी, गिराऊं तुझे, गिराऊं, गिराऊं तुझे, गिराऊं। क्या कर रही है बुढ़िया? मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं देखा। अभी फर्ज अगर देख भी लिया है तो मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगी, किसी को नहीं बताऊंगी, खुदा की कसम किसी को नहीं बताऊंगी।
नजीर मिलूंगी ना, अभी नहीं मिल सकती, लोगों की बड़ी नजर है मुझ पे। चुप हो जाओ, बेगैरत बदतमीज होता है मेरा भाईजान। मैं आपको यतीम बच्चों की देख खुद पहुंचाऊंगी जी भाईजान। अल्लाह हाफिज जी भाई। अफ्तार में सिर्फ 15 मिनट बाकी रह गया है। ए भदगबड़ी, कब पकोड़ा उकड़ा तैयार हुआ के ना? इनका का बोलो हो भुनरिया, ये तो बस नाम का मुसलमान है। इनका बालदा माजदा को जाना होने तुमरा वालिद साहब पसाद। तोबा तोबा तोबा, ये तो वाकई बहुत खराब बात है ने। इका पूरा खानदान बहुत अडवांस और बेगैरत है। मैं अगर चुप हूँ तो मेरी खामोशी का नाजायज फायदा ना उठाया जाए, ना काट दूंगी तुम दोनों की मैं। नाक काट के रख देगी। अरे नाक तो तुमरा अम्मा ने काटा है। इका अब्बा को अकेले में बुलावा है, इतना बुरा औरत है। तौबा तौबा। तो हमरा अब्बा का दूध पीता बच्चा है का उका बात ना आ जावे है। इस बहस और मुबाहसे में रोजे का वक्त निकल जाएगा, हटो, मुझे किचन में जाने दो। हमरा अम्मा इतना बेगैरत खराब होता तो हम उका छोड़ देता। खबरदार, जो आप एक और बकवास की तुम दोनों ने, जिंदा गाड़ दूंगी तुम दोनों को मैं। ए इधर जाके अपना अम्मा को दिखावो। इतना इतना बड़ा उम्र का औरत का ये करतूत, कयामत का असर है, कयामत का असर। ए फ्रिज में शरबत रखा हुआ है ने, और वो पकोड़ा और आलू चना का चाट दस्तखान पे बिछावो ने, और कहा है ने हमका तो आलू चना का चाट के बगैर रोजा रोजा ही ना लगे है। तुम रोजा रखती कहाँ हो जो रोजा लग रहा है तुम्हें? हमरा नियत बहुत साफ है और अल्लाह ताला उसे भी नियत देखे हैं। अब का पता कि रोजा ना रखने वाला को रोजा रखने वाला से ज्यादा सवाब मिल जावे। चलो भुनरिया, दस्तरखान पे चल कर बैठे हैं, उड़ू अफजा है ने, अफतार की अच्छी अच्छी चीजों पर झपट्टा मारे है, फिर तुम बोलो कि हमको कुछ ना ही मिला। दर्जी ने बाकी जोड़े भी दे दिए। अल्लाह, शादी में इतने कम दिन रह गए, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। दिला भाई, मैं तो नेक में पूरे 1,25,00,000 रुपए लूंगी। अरे मेरी चंदा, 100 करोड़ ले लेना, तुम्हारे दूल्हा भाई जैसा तुम्हें पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं मिलेगा। ये तो है, और तेरी जो सबसे बड़ी खूबी है ना वो ये है कि तूने ससुराल वालों के आगे कभी अपने घर वालों को टके की अहमियत नहीं दी। सरकार का मूड आज खराब है, पागल हो गई है। 1,000 दफा देखी, 1,500 दफा कहती है मैं तो एंटीक जेवर पहनूंगी। अरे तो ये कौन सी बड़ी बात है, मेरी अम्मा के पास खानदानी जेवर है 100-150 साल पुराने। अम्मी जान, वो तो मेरी अम्मा के जेवर के आगे बिल्कुल कचरा है। ले भाई एफओ, 1.5-2 करोड़ का जेवर तो तुझे यूं ही चढ़ जाएगा। अरे मेरी एफओ पे तो 100 करोड़ कुर्बान। देख ले एफओ, जब मर्द में लुटाने का जज्बा हो ना तो औरत सारी जिंदगी ऐश करती है ऐश। जब से रऊफ ने बेवफाई की है ना, तब से तो मेरा मर्दों पे से एतबार ही उठ गया है। अल्लाह, ऐसा तो ना कहो, दूल्हा भाई तो बिल्कुल अलग है। रहने दे, सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं। देख वदूद, ऐसा कर, शादी से पहले ना कोई छोटा मोटा प्लाट इसके नाम कर दे ताकि इसका शक दूर हो जाए, वरना ये तो तौबा बड़ी शक्की लड़की है। हाँ हाँ करते हैं दूल्हा भाई, आपके लिए कौन सा मुश्किल काम है ये? असल में चुड़ैल को पता नहीं कि आप कितने खानदानी और मालदार हैं। ये वो रऊफ जो था ना, आपके आगे तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ओछा फकीर है कहीं का। अरे ये कौन सी बड़ी बात है, शादी के बाद क्या हफीफा का और क्या मेरा। तो और क्या, शादी के बाद हफीफा की हर चीज तेरी और तेरी हफीफा की, और फिर मेरी बच्ची तो वो है जो निभाना जानती है। मगर अम्मी जान, शफीका ने तो नहीं निभाया। उसने ना तावीज गंडे करवाए थे,
सर पे राग डालता था। लेकिन एक बात बता दूं, माँ के लिए ना सब औलादे एक जैसी होती हैं। मैं तुझे हफीफा नहीं सौंप रही, तेरी खुशबख्ती सौंप रही हूँ। पता है एक दफा ना ये मेरे साथ लाहौर गई थी शादी पे, एक मिनिस्टर पीछे पड़ गया, बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाई मैंने इसकी। अगर वो मिनिस्टर मेरी अफू से शादी कर लेता तो मैं आज कितना उदास होता। अफू शुक्रिया मुझे कबूल करने का। हाय हाय बच्ची शर्मा गई। मुर्गा बन, अब मैं मुर्गा बनना ना आवे, जल्दी से मुर्गा बन। नहीं आवे। यही है मर्द का जायज मकाम, इस तरफ मत देख नीचे देख। देख रहे ना। चल अजान दे, अजान दे। को हे बदर, को अगेन को। तेरी नजरों में एक अजीब वाहियात पन और काट है अकेला। खुदा की कसम खाला, बड़ी मोहब्बत से प्यार से तुम्हें देख रही हूँ। मेरी माँ तो इस दुनिया में रही नहीं, अब उसकी जगह मैं तुम्ही समझती हूँ। यानी अगर जो तेरी मैया जिंदा होती तो तुम उसकी बदनामी के पोस्टर गली गली जगह जगह लगाती फिरती। खाला इतने इल्जाम हो तो मत, मुझ बेवा यतीम पर मत लगाओ। वो तो ऊपर से भुनरिया और नन्ही ने तुम्हें और अलीमुद्दीन भाई को हम आगोश होते देख लिया था। आए हम आगोश, ये बड़े गटर ज्यादा जहन है तुम लोगों के। और अकेला तू तो वो बेगैरत औरत है जिसने हमेशा मेरा बुरा चाहा। अरे ये तो मैं थी जिसने तेरे जैसी गुमराह औरत को अपने घर पाना दी। मगर ना भाई ना, तू एहसान करने वालों के मुंह पे चमाटे मारने वालों में से है। और ये तेरी बेगैरती है जो तू बड़े इत्मीनान से मेरी बात सुने है। सच क्या मैं सियाने चिकने घड़े पे बूंद न ठहरे। खाला जब बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। अरे तुमने मेरे घर में कम आग लगाई है। अरे पुराने घर में रोज दोपहर के वक्त अलग अलग टाइम देकर मेरी बहुओं को बुलाती थी और उनसे वो गिबतें करती थी कि वो तो मेरी अजली दुश्मन बन गई। नफरत का बीज तो तुमने बोया था। ओए अल्लाह, हाल गया अहवाल गया, दिल का ना ख्याल गया। अल्लाह ताला ने तुझे नीस तो नाबूद कर दिया मगर फिर भी तेरी इल्जाम तराशियों वाली आदत ना गई। ए तेरी बहू है तो खुदा के मुझे तेरे करप्शन की वाकियात सुनावे थी। ए खुदा जाने के मैंने कभी उनकी बातों के दरमियान कोई लुकमन दिया, उल्टा मैं उन दोनों को समझाया करे थी कि भाई जैसी भी रजीला हमारा औरत है तुम्हारी सास है, तुम पे लाजिम है कि तुम उसकी इज्जत करो। रहने दे बस खाला, रहने दे। मैं तुम्हारे घर में रह रही हूँ ना, इसलिए मैंने होश से ही रखे हैं, वरना नहीं तो दे दे हिम्मत है धमकियां दे। आने कमबख्त, अपना गुस्सा निकाले है मुझ पे, हट यहाँ से। अकेला भाभी चलो इस कमरे से जाओ, मुझे अम्मा से कुछ जरूरी बात करनी है। क्या ये सब, मैं पूछ रही हूँ क्या ये सब? आई वो मैं क्या बोलो? क्या नहीं बताओ, क्या किया क्या तुमने? बहुत पुरकशिश लग रहे हैं बशीर। थैंक्स। बड़ी मगरूरियत आ गई आपके अंदाज में। नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, सोबर रहने से जरा हुस्न में इजाफा होता है, और वैसे भी रंग गोरा करने वाली क्रीम लगाने से देखो मेरा रंग निखरता जा रहा है। वैसे शाहिद अफरीदी भी पहले बहुत काला था, ये तो रंग गोरा करने वाली क्रीम लगा लगा गोरा हुआ है, तभी तो उसके इश्तिहार में भी काम कर रहा है शुक्रिया के तौर पे। छोड़िए शाहिद अफरीदी को, मेरी जिंदगी का महवर तो आप हैं। वैसे अम्मा इस बात से बहुत नाराज हैं कि तुम हलाले के बाद मुझसे शादी कर रही हो। अम्मा से इतना डरते हो तुम? मेरी माँ ने मेरे बाप के मरने के बाद बड़ी मुश्किलों से पाला है मुझे। क्यों, तुम्हें टीबी थी? मैं मानती हूँ बशीर कि तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें बड़ी मुश्किल से पाला है, मगर तुम्हारी अम्मी ने तुम्हारे पालने में तुम्हारे अब्बा के दोस्तों की सपोर्ट भी बहुत ली है।
हाँ ये बात तो ठीक है, मेरे बालिक दोस्तों ने मेरी वालदा का बहुत साथ दिया है। काश हमें भी जिंदगी में इतने अच्छे दोस्त मिलते, खुदा ऐसे मददगार दोस्त सबको दे। आमीन। ले रही हूँ तलाक, फिर खुशी से कर लेना अलीमुद्दीन के साथ शादी। तूने वो नाजेबा इल्जामात अपनी माँ पे धरे कि मानो जी चाहे जमीन फट जावे और मैं उसमें समा जाऊं। मैं तो अलीमुद्दीन को धमकी दे हुई थी कि तुझे टंगड़ी मार के गिरा दूं, बस इसी नियत से मैं जरा उसके करीब आ गई। अब ये अल्लाह जाने जाने ये फसाना इसने अकेला ने बनाया या उस रजील नन्नी ने। अम्मा ये बावली बातें मत करो, बहानों का भी कोई स्टैंडर्ड होना चाहिए। खाला चाय बना के लाऊं आपके लिए? ज्यादा मीठी छोरी मत बनियो अकेला, तूने मुझे मेरी औलाद के सामने सिर उठाने के काबिल न छोड़ा। खाला तुम तो ऐसे कह रही हो कि ऐसा वाकया तुम्हारी जिंदगी में पहली दफा हुआ। तुम्हारी जिंदगी तो ऐसे वाकयों से भरी पड़ी है। ए, जूती उठाओ, उठाओ जूती। हाँ खुद को कहो तो बहुत बुरा लगता है, और जो तुम सारा दिन मुझे सुनाती रहती हो उसका क्या? तेरी ये औकात नीच कहीं की कि तू मुझसे मुकाबला करे? ए मैं मालकन तू मामा, जमीन आसमान का फर्क है तेरे और मेरे दरमियान। बारा लम्मा तुम्हारी वजह से मुझे नन्नी पन्नी और भुनरिया जैसी औरतों की बातें सुनने को मिल रही है। देखो अम्मा रमजान का महीना है, अपना किबला दुरुस्त कर लो वरना दुनिया और आखिरत दोनों से जाओगी। हाय खाला नन्नी आपा सारे मोहल्ले की औरतों को बुला बुला के बता दी है कि कद्दूस साहब की बेवा अलीमुद्दीन को फंसा रही हैं। ए जहन्नुम रसीद हो जा तू भी और नन्नी भी, दफे हो यहाँ से, निकल यहाँ से। ना जाने इस गाने को सुन के मुझे इमरान खान की क्यों याद आती है। इमरान अंकल तो बहुत ऑल्ट हो गए हैं, मुझे तो इमरान पसंद है यार। असल में हमारी जेनरेशन का है ना यूथ तो क्रेजी है उसके बारे में। रूह अफ़ज़ा वो तुम्हारे बच्चों की उम्र का है। ओ गॉड, आप सारी बहनें मुझसे इतना शर्ती क्यों हैं? देखिए आपका और मेरा कोई कंपैरिजन नहीं है, हम कॉन्वेंट की गर्ल्स तो यूं भी भीड़ में अलग ही पहचानी जाती हैं यार। एनीवे खजिस्ता आपा चेंज द टॉपिक्स, ये बताइए कि वजूद की शादी की क्या न्यूज़ हैं? आसार तो यही बता रहे हैं कि वो गंजी ईद वाले दिन अपने ससुराल वालों की नजर हो जाएंगी। तुम क्या ड्रेसिंग करोगी वजूद की शादी में? खुदा की कसम मैं चीटिंग करने वाली लड़की नहीं हूँ। आई थिंक खजिस्ता आपा ईद वाले दिन ही टप्पू ने मेरा सेशन रखा है, कह रहा था कि खासा बाल्ट है। मैंने कहा डोंट वरी टप्पू, अगर मेरे इन लॉज ने ऑब्जेक्शन किया तो मैं मकसूद से तलाक ले लूंगी। एक मीटर कपड़े में मेरे 16 आउटफिट्स तैयार हुए हैं। ये कपड़े तो ना हुए, चिंतियाँ हुई। सो व्हाट, ये दौर है एक्सपोजिंग का है। खजिस्तापा मैं तो आज से 5 साल पहले ही मॉडलिंग वर्ल्ड को कॉन्क्योर कर लेती, मगर उस जमाने में मैं खासी कंजर्वेटिव थी, मुझे बेपर्दगी पसंद नहीं थी। मगर अब वक्त के साथ साथ मेरे नजरियात बदल चुके हैं। मेरी सीनियर इरज और ईमान ने मुझे ये बात समझाई कि रूह अफ़ज़ा तो कब तक लोगों से इस हुस्न को छुपाएगी, अब ये हुस्न आश्कार कर। इरज तो मुझसे कहने लगी रूह अफ़ज़ा मुझे तेरी कैटवॉक देख के ना कॉम्प्लेक्स हो गया है कि मैं इतने सालों से फैशन वर्ल्ड में हूँ मगर मेरी कैटवॉक तेरी कैटवॉक जैसी नहीं है। रूह अफ़ज़ा तुम बुरा मत मानना, तुम्हारी चाल देखकर मुझे लगता है कि तुम बचपन में ना पोलियो की मरीज रही होगी। क्या हाल है रूह अफ़ज़ा बाजी? कहाँ से आ रहे हो बदूद? उफ़ अल्लाह रूह अफ़ज़ा बाजी, शॉपिंग करने गया था अपनी दुल्हन की मैचिंग की जूतियाँ चप्पलें,
ज्वेलरी सब लेने गया था बट मुझे रियाताबाद में कुछ पसंद नहीं आया। अब सोच रहा तारिक रोड जाऊं, वहां पर वैरायटी अच्छी होगी। तारिक रोड से शॉपिंग करके उसकी आदतें मत बिगाड़ो, खासी उर्दू मीडियम लड़की है यार। कुछ भी कह रहे रूह अफ़ज़ा बाजी, हसीन है हसीन। सिर्फ रंग गोरा होना खूबसूरती की दलील नहीं होता। नेवर माइंड वदूद, फीचर्स तो बड़े आर्डिनरी से हैं। हर नोज इज जस्ट लाइक पकौड़ा। रूह अफ़ज़ा बाजी, तुम जैसी बशकल औरत इस बात को क्या जाने कि मेरी दुल्हन कैसी है। व्हाट डू यू मीन बाय बशकल? माफ करना वदूद, जब भी तुम्हें कोई ससुराल मिली है वो बहुत दो नंबर और आर्डिनरी ससुराल मिली है। ऐसी कोई बात नहीं है रोजा बाजी। हाँ, फरजाना और दुर्दाना दो नंबर औरतें थी पर मेरी मौजूदा सास बहुत ही फरिश्ता सिफत औरत है। सुन लो रोजा इसकी बातें। अल्लाह, मेरी तो हलक से ये बात ही नहीं उतर रही कि इस जैसी शीमेल को कोई भी अपना दामाद बनाने के लिए कैसे सोच सकता है। शीमेल 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 शीमेल, मैं शीमेल नहीं हूँ। I am pure mud, pure mud. Because she is very loud and over. No, I am pure mud. वैसे खजस्ता, जैसे तुम हलाला कर रही हो ना, मैं उस आदमी से बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ। बशीर, तुम यकीन करो, नजीर इंतहाई शरीफ आदमी है। वैसे निकाह की डेट क्या है? आफ्टर ईद करूँगी ना, थोड़ी बहुत तैयारी तो मुझे करनी होगी ना। ये कौन सा पक्की शादी है जो तुम तैयारियाँ करोगी? बशीर, हलाले के लिए एक शर्त होती है कि आप इस नीयत से हलाला करें, ये ना हो कि एकदम निकाह हुआ और साथ ही तलाक ले ली। मजहबी हवाले से भी ये बात गलत है। अगर उसका तलाक देने का दिल ना चाह तो? अरे आप क्यों परेशान हो रहे हैं, बात हो जाएगी ना। वैसे एक बात है, आप इतनी टेंशन लेने के बाद भी इतने प्यारे लगते हैं। ये तो सब गॉड गिफ्टेड होता है ना। ये बात तो है कि खुदा आप पे बहुत मेहरबान है। ये तो सब आमाल की बात है। रीमा की तरह ना आप भी नरगिसियत का शिकार है, हर बात पे अपनी तारीफ का पहलू ले आते हैं। मालूम जी, अम्मीजान पानी पी ले जने, पी ले जने। कौन सा आपका रोजा है? हमका तो ये बात ही समझ ना ही आवे है कि 16 साल लड़कियन से आप ऐसा परेशान नहीं है जैसा शकूरन खाला जैसी बुड्ढी से आप टेंशन में है। बुढ़िया तुमका नहीं मालूम, वो कलेजा चबाने वाली डायन है डायन। अरे हम कहने लगे कि इस 16 बरस की छोकरी का ड्रामा है जो तुमने पाले, वो शकूरन का साथ मिलके इसलिए रचा है कि शकूरन की और उनकी आज की माचूकी पर पर्दा पड़ा रहे। ये बात तो आप बहुत गहरा किए हैं, बहुत गहरा। अम्मीजान, अम्मीजान ये बात है, वो हम भुन्नू को का जवाब देवे? का जवाब दोगी? ठेंगा दिखाओ का। अम्मीजान, हमारा दिल टूट जाएगा ने। हम अब्बा जान से जब भी बात किए हैं वो निपट हो जावे हैं। हम उनसे जब भी मकान का जिक्र किए ने वो बोले हमको सुनाई ना ही देवे। हम जब आला लावेंगे तो ही बात का जवाब देवेंगे। बहुत ही ढोंगी बुढ़ा है वो। अब्बा जान, हमने वाले थे पर आप ये बात बहुत बजा फरमाए हैं। क्या रो रही हो? पानी पिला मुझे। शर्म तो आवे ना ही है कि रोजा तो रखेंगे ना ही। कान पकड़ो, मारू लाते और घुसे तुझे। रोजा, हमने सारी नजर मत करो ने। अगर शाहीना फुर्की बर वक्त ना पहुंचती तो इस वक्त तेरे कत्ल के केस में मेरी कवरेज हो रही होती टीवी पर और हजारों फोटोग्राफर और रिपोर्टर्स में मैं घिरी खड़ी होती, मगर मैं सिर्फ उनसे बात करती जो वजीह और हसीन होते।
काले पीले मोटे पेट वालों को तो मैं मुंह भी ना लगाती। बिकॉज रूह अफ़ज़ा इज ए वेरी ब्यूटी कॉन्शियस गर्ल, शायद यही कवरेज मेरी बॉलीवुड में भी देखी जाती। मुझे देख के फौरन कहते कि पता करो कि यह हसीन कत्ताला कौन है, क्या इसे जमानत पर इतने अरसे के लिए छोड़ा जा सकता है, क्या कर हमारे साथ काम करे। मेरा तखयल मुझे कहीं का कहीं ले जाता। मुर्गा बनिए मकसूद, मुर्गा बनिए। हमारे टांग में बहुत दर्द है रोजा, हमें ना दिखाओ ने। आप जैसे बज्जात और मक्कार मर्द पर मैं तरस खाऊंगी। नेवर नेवर मकसूद, मैं तो अब आप पर जुल्म के वो पहाड़ तोड़ूंगी कि दुनिया खौफ से अपनी उंगलियां चबा जाएगी। और आप कश्मीर की वादियों में एक तारा लेकर ये गाते फिरेंगे, जुल्म रहे यारे अमन भी हो। कुछ तुम ही कहो, क्या मुमकिन है। ये अमन भी 70 की दहाई की वो फिल्म है कि जिस पर सेंसर वालों ने इतनी कैंची चलाई कि अगर तुमको 70 की दहाई बड़ा याद है। ओ जाहिल गवार और गंदे जहन के मालिक, गो कि मेरी बर्थ जो कि 90s की है, इसके बावजूद मुझे अपने पास्ट से बहुत मोहब्बत है, इसलिए मैं नेट पर उस दौर की फिल्मों के बारे में इंफॉर्मेशन लेती रहती हूँ। ये 28 साल से 24 तारीख, ये कौन सा मशीन है ने? जिस पर तुम सवार हो मकसूद। खुदा के लिए अपनी गज भर की जबान आप अपने मुंह के अंदर रखिए, वरना मैं आपको मुर्गा बनाकर खजिस्ता आपा को आपके ऊपर बिठा दूंगी। मैं तो मकसूद अब इस घर को आपके लिए टारगेट सेल बना दूंगी। हाँ, अगर आपने मेरी हुक्मदूली की तो मैं आपकी लाश को छोटी सी प्लास्टिक की थैली में लपेट के इस शहर के किसी भी कूड़ादान पे डाल दूंगी। यू नो रूह अफ़ज़ा इज ए वेरी रिवेंजफुल गर्ल। मकसूद मुर्गा बनिए, मुर्गा बनिए, और मुर्गा बनकर अगर आपने बांगे ना दी तो मैं आपकी पीठ पे गरम गरम इस्त्री चिपका दूंगी। हाँ, अगेन, वंस मोर, वंस मोर। ये अकीला, ये टीवी वाली लौंडियां हैं तो हाथों से निकली जाम है, इसके नाक प्लास्टिक के क्यों दिखे? खाला है ना, प्लास्टिक सर्जरी कराई है। आजकल की सारी हीरोइन है ना ये करा रही हैं। कोई होंठ मोटे करा रहा है तो कोई गर्दन पतली करा रहा है। अरे हाँ, वो जो मॉर्निंग शो में आवे है ना, उसने तो अपनी नाक के साथ वो तजर्बात किए हैं कि बिल्कुल चोंच नुमा बना ली अपनी नाक। वैसे खाला, मेरा भी जी चाहता है कि मैं भी अपनी सारी झुरियां ना खत्म करा दूं। और मेरी झुरियां अगर खत्म हो गई ना, फिर देखना खाला, अगर मैं 25-26 की ना लगी ना तो मेरा नाम बदल देना। और वैसे भी मेरा डील डॉल जो है ना, वो लड़कियों जैसा है। ए अकेला, दोनों खाला भांजियां चलते हैं किसी सर्जन के कने। भाई मेरे दिल में भी गुजरी हुई जवानी को हासिल करने की बड़ी कसक जागे है। आए अच्छा है ना वदूद अहमद की शादी में दोनों जवान जवान नजर आवेंगे, ये हासिदों के कलेजे में आग लगेगी। खाला मेरे पैसों का भी बंदोबस्त तुम ही कर दो ना। ये क्या पागल वागल हुई है? अकेला की जवानी से शकूरन को क्या बेनिफिट मिलेगा? ना भैया पैसा अपना अपना। ये अकेला तेरे तो इतने बॉयफ्रेंड हैं, ये किसी को भी उल्लू बना लीजियो। अरे इस काम में तो यूं भी चैंपियन है तू। अरे कोई तदबीर लगा, कोई साजिश तैयार कर, यूं भी मेरी अकल बढ़े सोच से और रोटी बढ़े लोच से। आए नन्ही आपा, कैसी हो? चेहरा सूझ कर गुप्पा हुआ वह, क्या रातों को सोई नहीं हो? अरे जब ये खराब औरतन बुढ़ापे में भी गुनाह सब बात नहीं आवेंगी तो शरीफ औरतन का नींद तो हराम होवेगा ही नहीं। ए अकेला, ये नन्नी बेगम क्यों शरीफ औरतों की बात कर रहे हैं? इसका क्या ताल्लुक शराफत से? आए खाला, नन्नी अपने आप को शरीफ कह रही है। ए नन्नी, ईमान से तूने सुबह सुबह बहुत सहाया है मुझे, मानो मेरे तो पेट में बल पड़ गए। अरे तुम हमरा अलीमुद्दीन साहब का पीछा छोड़ दो ने। तो मैंने कब पकड़ रखा है उस बुड्ढे को?
वो जो मेरे पीछे खुद ही आवे तो ये उसकी आंखों की गंदगी और दिल का फुतूर होवे। खुश दामन हूं उसकी, उसने क्यों नहीं रिश्तों का लिहाज किया? ना, अब हम भी तुमको दिखा देंगे कि तुम्हारी बिटिया के सर पे एक डेढ़ महीना का अंदर अंदर 16 बरस का सौकन ना ही लाए तो हमें नाम भी नन्नी नहीं। ऐसी कुछ प्लानिंग मैंने भी की है नन्नी बेगम, तैयार रहियो। जा पीला मेरी प्यारी, इस औरत को हिया से धक्के दे के निकाल। शाबाश, जाओ ना जानी, अब जाओ, चलो चलो जाओ। हमको निपटाता है ये त्रोनी जरूरत से। जी नहीं बुद्धि साहब, वो बुद्धि में ऐसा कहा है जो हम में नहीं है। आप शगुफ्ता को इसीलिए तलाक दिए सो कि वो बुद्धि शकूरन से शादी कर लो। हम शकूरन से शादी करेंगे कहां, पागल का बच्चा है वो, तो आने अम्मा का उम्र का है। हमको बुद्धि औरत से निपटाता है। रहने दीजिए, रहने दीजिए, अकेला हमको सब कुछ बता दीस है। अलीमुद्दीन साहब सुन लीजिए, गौर से सुन लीजिए, शकूरन के बारे में अगर आपने कोई एक लफ्ज भी बोला तो हम अपना गले में फंदा लगा लेंगे। हाँ तो लगाओ नहीं, 50 साल से यही बकवास कर रही हो। हमको तुम्हारी शक्ल देख के उल्टी आवे है। कीजिए किसी 16-17 बरस का लड़की से शादी, हमको कोई ऐतराज नहीं है। हम तैयार है मोटी डप्पो। अब हम अपनी निगरानी में ही काम करेंगे। ऐसा ना होगा कि वो कुद्दूसी का बेवा यहाँ तक के छापिएंगे लामे पिलावने जान लामे। हेलो मसूद भाई, आपको क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है, और ये मुर्गी क्यों बने हुए? और ये बांग आप दे रहे थे? ये 12 बजे की बांग है, और घंटे के बाद ना हमें बांग देनी है ना। मगर क्यों? रूह अफ़ज़ा का हुक्म है ना। अच्छा, तो इस बार आप फिर रंगे हाथों पकड़े गए। हम फंस गए ना अपनी गलती में ना। अच्छा रोजाबाजी गए वो कमरे में पदुर। अब इतनी बारिश कर दो ने। सोचूंगा। वैसे आप मुर्गे बने भी बहुत प्यारे लग रहे हैं। लग रहा है चाइना में कोई बहुत छोटी नजर का मुर्गा हो। वॉगी वॉर्सेल्फ फैशन रॉक्स। आय हाय रूह अफ़ज़ा बाजी, तुमने बेचारे मकसूद भाई को कैसे मुर्गा बनाया हुआ है प्राइमरी स्कूल के बच्चों की तरह, और वो बांग भी दे रहे थे और कह रहे थे कि तुम्हारा ऑर्डर है कि हर घंटे में बांग देनी है। दैट्स ट्रू वडूद। बेवफा मर्दों के लिए मेरा दिल चाहता है कि इंतहाई अजीब अजीब सजाएं ईजाद करूँ, एंड बहुत जल्द आई एम श्योर कि मैं इस टॉपिक पे बहुत बेहतरीन किताब लिखने में कामयाब हो जाऊंगी। चलो ना रूह अफ़ज़ा बाजी, शादी इतनी नजदीक है, मैंने मेकअप का कोई भी सामान नहीं खरीदा है। अहे गंजी, तो भी कहीं पाकिस्तानी फिल्मी हीरोइनों की तरह पहाड़ से गिरकर अपनी याददाश्त तो नहीं खो बैठी? अभी 3 दिन पहले तो हम दोनों सहेलियों ने तेरी होने वाली बीवी के लिए मीना बाजार से मेकअप का सामान खरीदा था। अरे याद नहीं, अपनी फर्स्ट फ्रेंड छम्बो की दुकान ही से तो तुझे दिलवाया था। याद नहीं उतने कितनी कंसेशनल दे दी थी, 150 रुपए वाली फाउंडेशन सिर्फ 50 रुपए में दे दी थी। लेकिन रोजाबाज जी, मुझे लगता है वो फाउंडेशन एक्सपायर हो गई है। ऐसी कोई बात नहीं, मैं खुद चम्मो के यहाँ का कॉस्मेटिक यूज करती हूँ, आज तक इस किस्म की कंप्लेंट्स नहीं हुई। बस सिर्फ एक बार लिपस्टिक को गालों पर फैलाने से मुंह पे मोटे मोटे फोड़े निकल आए थे। वदूद, तुम्हें पता है मेरी फुप्पी गुल फिरोजा इतनी घटिया औरत थी,
कि उन्होंने पूरे खानदान में मशहूर कर दिया कि रूह अफ़ज़ा को कौड़ हो गई है। कौड़ मीन जज़ाम। रूह अफ़ज़ा बाजी, मैं कोई अफीफा के लिए मेकअप लेने की बात थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि अपने लिए भी मेकअप की कुछ चीजें खरीद लूँ। अभी मैंने पिछले दिनों तो अतीका ऑडो के ब्रांड की 4 लिपस्टिक्स दी थी तुझे यार। आई है रोजा बाजी, वो लिपस्टिक तो बहुत ही अजीबो गरीब है। पर्पल वाली लगाओ होठों पे तो थोड़ी देर बाद काली हो जाती है, और गुलाबी वाली पीली। अम्मा ने मेरे पीले होंठ देख के फतवा जारी कर दिया था कि मुझे यकान हो गया है। सुनो, ये जो आजकल टीवी ड्रामों में लड़के मेकअप कर रहे हैं, मैं इनसे पूछती हूँ यार। कई एक तो मेरे बड़े अच्छे बडीज भी हैं, देखो तो कैसे काले पीले लड़के हैं, मगर स्क्रीन पर कैसे गोरे भभूखे हो रहे हैं। कुछ ने तो गोरे बन के टीके भी लगवाए हैं। तुम समझ रहे हो ना वदूद कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। रोजबाजी, क्या पागलपन की तरह गोरेपन के भी टीके होते हैं? अरे वदूद, मैं भी बड़ी बोरिंग हो रही हूँ, लेट्स मूव। मैं जाते हुए ना मकसूद की पीठ पे ईंट रख के जाऊंगी, इससे जलन और चुभन का एहसास बहुत ज्यादा होता है। रोजा बाजी, तुम तो बहुत ही तशद्दुद पसंद हो। Yes, of course. Because I like violence and extremism. चलो ना रोजा बाजी। चल मेरी प्यारी बहन। लो 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 लो। आओ ना। आह, वो लग जाएगी, लग लग गया। जाओ। बनो उसके पास, बनो। लग जाएगी मैं क्या? लग एक मिनट। बनो, बनो उसके पास। फीफा वो गलती हो गई। मोटे गेंडे, अब क्या लड़ तुम्हें? निकलो यहाँ से, गलती हो गई तुमसे। बदतमीजी तो मत करो। मुझे तमीजी कहोगे तुम? जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ उसके पास। सुन तो लो फीफा, वो तुम्हारे आगे ना वो तो बिल्कुल ही आम सी है, इतना इतना मेकअप थोप के रखती है मुंह पर। पता है कल मेरे साथ जा रही थी, एक बरगद के घने दरख के नीचे से गुजरे तो एक कव्वे ने अचानक मजबूरन उसे नलके से मुंह धोना पड़ गया, सारा मेकअप धुल गया। मैं तो मेकअप के बगैर देख के डर ही गया था उसको। लेकिन अफीफा, तुम ना तुम तो मेकअप के बगैर भी इतनी प्यारी लगती हो, हर वक्त तुम्हारा तो मुंह भी धुला हुआ होता। कोई फायदा नहीं है, आप तुम्हें तो पता है ईद वाले दिन शादी हो रही है मेरी उससे। उस छक्के से शादी कर रही हो तुम? शादी नहीं, समझौता। ऐसे लड़कों के साथ ही समझौता होता है। अच्छा सुनो, तुम ना झाड़ू लगा दो, मैं चाय लेकर आती हूँ।